तो दोस्तों आज मेरा डे 13 था। आज सर ने मुझे कहा है कि वो मुझे रोलिंग करना सिखाएंगे। रोलिंग कैसे होता है दोस्तों? 5 बार हमें टैप करने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो आपकी बॉडी पूरी आगे जाती है। उसके लिए आपको थोड़ा झुक के और प्रेशर करना पड़ता है, नी बैंड होना चाहिए दोस्तों, तो ही आपको गिरने के चांसेस कम होते हैं। स्केटिंग में यही थंब रूल है कि आपकी कमर थोड़ी सी आगे होनी चाहिए और नी बैंड होने चाहिए, तो आपके गिरने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 बार टैप, फिर रुकना है और आपकी रोलिंग चालू हो जाएगी। इसमें आज मुझे पूरा दिन यही करने के लिए कहा गया है। थोड़ी सी स्पीड भी मुझे लग रहा है कि मेरे पहले से बड़ी है और थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस भी लेवल भी हाई हुआ है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से सर ने मुझे सिखाया है। पांच बार टैप और नी बैंड करके मुझे आगे बढ़ने को कहा गया है। इस तरह से मेरी रोलिंग हो रही है दोस्तों आज। थोड़ा सा बारिश के मौसम की वजह से मुझे आज गर्मी कम लग रही थी। मेरी जो दोनों पैरों की ग्रिप है वो बहुत ही कम गैप की है। सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ये ग्रिप कम ही होनी चाहिए और इसके मैं बरकरार रखूं दोस्तों। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, 5 बार टैप, नी बैंड, कमर थोड़ी सी आगे झुकी हुई और आपको अपने बॉडी को आगे लेके जाना है। इसे ही बार बार प्रैक्टिस करके मुझे स्केटिंग सीखना है। यही थंब रूल है दोस्तों स्केटिंग में। कुल मिला के मेरे 12 से 13 राउंड हो चुके हैं। और 10 राउंड मुझे मारने के लिए कहा गया है सर ने। ऐसे ही मुझे प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और आज का ये दिन है जब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अलग किया है और मैं स्केटिंग सीख जाऊंगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है दोस्तों हमें, कोई घाई नहीं, लेकिन स्पीड भी हमें बढ़ानी है दोस्तों। स्पीड का मेन फोकस है सर का। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।